सरोज रज निज मन मुकुर सुधा बरनौ रघुवर विमल यश जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जान सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार यह कल कल छल छल बेदी कहती गंगा धारा
युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल छल छल बहती क्या कहती गंगा धारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। हम इसके लघुतम जल कण बन के मिटते हैं क्षण क्षण। अपना अस्तित्व मिटा कर धन मन धन करते अर्पण। बढ़ते जाने का शुभ पण प्राणों से हमको प्यारा। युग युग से बहता छल छल बहती क्या कहती गंगा धारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। इस धारा में घुल मिल कर वीरों की राख बही है। इस धारा की कितने ऋषियों ने शरण गई है। इस धारा की गोदी में खेला इतिहास हमारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल छल छल बहती क्या कहती से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। क्या इसको रोक सकेंगे मिटने वाले मिट जाएं। कंकर पत्थर की हस्ती क्या बाधा बन कर आए। रह जाएंगे गिर पर भूमंडल सारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। ए मेरे वतन के लोगो जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। पुण्य प्रवाह हमारा। पुण्य प्रवाह हमारा। पुण्य प्रवाह हमारा।
गिरिराज कुमारी, गिरिराज कुमारी। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। सभी पूज्य संत चरणों को, आदरणीय श्री इंद्र प्रकाशी सहित सभी यजमान परिवारों को, श्रीमान रविंद्र जी सहित संपूर्ण आयोजन समिति को और आप सभी बंधुओं को, बहनों को, मेरे और मेरी व्यासपीठ के सादर प्रणाम। और अब आइए गंगा मैया की पावन गोदी में बैठकर भगवान की इस मंगलमयी रसभरी कथा का बहुत भाव से गायन करें, श्रवण करें और यात्रा के रूप में जो कथा चली है उसने कल जहां पड़ाव लिया था अब उसके आगे की यात्रा का दर्शन भी करें। भगवान शिव और सती के प्रसंग से गोस्वामी जी इस कथा का शुभारंभ कर रहे हैं। एक बार के त्रेता युग की घटना, कैलाश में शिव बैठे थे। थोड़ा ठीक करो, थोड़ा मोटा सा लग रहा है। शंकर जी ने कहा चलो देवी बहुत दिन हो गए, कथा सुनने चलते हैं। सती ने कहा महाराज आप तो कथा के रचयिता हैं, रच महेश मन मानस राखा, ऐसा कौन कथावाचक है दुनिया में जो आपको कथा सुनाएगा। बोले सुदूर दक्षिण में गोदावरी जी के किनारे कुटिया बनाकर निवास करने वाले अगस्त ऋषि, कुंभज ऋषि बहुत सुंदर कथा कहते हैं, चलो वहां चलते हैं। और आज शिव सती को लेकर कथा श्रवण कर रहे। देखिए कहां कैलाश उत्तर में और कहां कुंभज ऋषि दक्षिण में, हजारों किलोमीटर की बीच की दूरी है। शिव कहना चाहते हैं जब कथा सुनने की इच्छा होती है तो मार्ग की दूरी बाधक नहीं होती, मन की दूरी बाधक होती है। मन में इच्छा नहीं है तो मंडप के बाहर भी घर बना होगा तो भी नहीं आएगा, और मन में इच्छा है तो सारी बाधाएं तोड़कर आता है। दूसरे शिव कहना चाहते हैं कथा सुननी हो तो पति पत्नी दोनों को मिलकर सुननी चाहिए, एक सुनेगा तो झगड़ा रहेगा। पति कहेंगे दिन भर बाबाओं में घूमती रहती हो, तुमको और कोई काम नहीं है। पत्नी कहेंगी कि तुमको कथा से फुर्सत नहीं है, बेटी शादी को बैठी हुई है, कथा का पेट भर देगी। दोनों मिलकर कथा सुनते हैं तब कथा का परिणाम परिवार में होता है। अब यहाँ से शिव सती को लेकर चले, एक बार बहुत सुंदर प्रसंग गाइए। एक बार त्रेता युग मास, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भा, परम सुख मान।
सबके जीवन से जुड़ा हुआ प्रसंग बंधुओं, गोस्वामी जी ने बड़ी कृपा की शिवचरित्र पहले, क्योंकि शिवचरित्र समझ में आएगा तो रामचरित्र में बहुत आसानी हो जाएगी। बहुत पुरानी घटना सुना रहे हैं, एक बार के त्रेता युग में, त्रेता युग तो बार बार आता जाता है, पर एक बार के त्रेता युग में सती को साथ लेकर भगवान शिव कुंभज ऋषि के आश्रम पर पधारे, कथा सुनने का आग्रह किया। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सती का माता पहले ठनक रहा था ये कहाँ इतनी दूर आ गए, जरा सा बाबा ये क्या कथा सुनाएगा, मैंने तो आपके श्रीमुख से सुनी है, मैंने तो नारद जी के श्रीमुख से सुनी है, ब्रह्मा जी के श्रीमुख से सुनी है, सनकादिक ऋषियों के श्रीमुख से, ये कहाँ आप ले आए, आपको भी कुछ पता नहीं, भांग खाए रहते हो, कुछ होश नहीं रहता है आपको, कथा में बैठी है कथा नहीं सुनी। सुनी महेश, साथ में तो हैं लेकिन पूर्वाग्रह बैठा हुआ है, क्या कथा सुनाएगा। और जो कथा नहीं सुनता वो व्यथा में ही जाता है, वो सत्यानाश की ओर जाता है। और अभी देखना सती की क्या दुर्दशा होती है थोड़ी देर में। आप कथा सुनी, और मैंने कल बहुत विस्तार से इस पर बोला था, केवल सुन भर लीजिए बेड़ा पार हो जाएगा। मनुष्य सुनता नहीं है, धारणाएं मिलाता है। जो आपके मन में बैठा है अगर वैसी बात में बोल रहा हूं तो आपका सिर हिल जाएगा, और वैसी बात नहीं बोल पा रहा हूं तो आप उसे सटक ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मनुष्य धारणाएं मिलाने आता है, पूर्वाग्रह लेकर आता है। हमने तो बहुत बड़े बड़े लोगों की कथा सुनी है, अब क्या सुनना, हमको तो सब मालूम है। ऐसा व्यक्ति खाली आता है और खाली ही लौट जाता है। कितनी भी अमृत की वर्षा हो, घड़ा अगर उल्टा रखा हुआ है तो एक बूंद भी जाएगा नहीं, कुछ होगा नहीं, खाली का। कथा सुनकर लौट कर जा रहे थे, उसी समय दंडकारण्य में भगवान श्री राम जानकी जी की खोज में रो रहे थे। दो दिन पहले रावण जानकी जी का हरण करके ले गया, तो शंकर जी ने दूर से जब भगवान के रुदन का स्वर सुना, शंकर जी को लगा ये तो ब्रह्म की वाणी है, ये तो भगवतीय वाणी, क्या भगवान श्री राम, दूर से देखा था, ओ संभ समय तब राम ही देखा। शंकर जी ने सोचा पास जाकर प्रणाम करूंगा तो प्रभु की लीला खुलेगी, इस समय भगवान मानवीय लीला कर रहे हैं। दूर से ही प्रणाम कर दिया, जय सच्चिदानंद जग पावन, हे सच्चिदानंद, हे जग पावन, हे आनंद कंद, असकई चले मनोजन सावन। प्रणाम किया दूर से, पुन पुन पुलकित कृपा निकेता, चले जात शिव सती समेता। मुड़ मुड़ कर देखते जा रहे हैं, आंखों से भाव के आंसू, शरीर रोमांचित हो गया, भाव समाधि में शिव को देह भान भूल गए, आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे मुड़ मुड़ कर देखते जा रहे हैं। सती थोड़ी 10-20 कदम पीछे थी, जब पुरुष स्त्री चलते थे पहले तो थोड़ा अंतर रहता था, अब तो बिल्कुल बराबरी के मारते ही चलते हैं, अब तो कोई बात ही नहीं है पति पत्नी भी, लेकिन पहले थोड़ा अंतर रहता था, क्योंकि सामान्यतया पत्नियां डांटती बहुत हैं पतियों को, तो थोड़ी दूरी रहेगी तो सुनाई कम पड़ेगा, वो डांट का असर थोड़ा कम होगा, रास्ता आसानी से कट जाएगा, तो थोड़ी दूरी बनाकर चला करते। शिव भी वही कर रहे थे, तो सती ने देखा कि ये दो राजकुमार, किसी की एक ही घरवाली का हरण हो गया है, ये रुदन कर रहे हैं, और मेरे पतिदेव महादेव जगतबंद सारे देवता नर सुर मुन सब इनको प्रणाम करते हैं, और ये कह रहे हैं जय सच्चिदानंद जग पावन, इनकी बुद्धि बिगड़ी है। पीछे से चिल्लाई, ए ए अरे सुनो सुनो, अरे सुनो, अरे सुनते हो कि नहीं। शंकर जी बोले क्या बात है, बोला आप किसको प्रणाम कर रहे थे, किसको आपने प्रणाम नहीं किया क्या, बोले नहीं मैंने तो नहीं किया। अरे बोले इनको प्रणाम करो, अरे बोले तुम्हारी बुद्धि बिगड़ी है, कौन है, बोले साक्षात ब्रह्म है, अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक हैं, चराचर जगत के स्वामी हैं, परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री राम है, इस समय मनुष्य लीला कर रहा है, इनको प्रणाम करो। सती ने कहा हर समय भांग के नशे में रहते हो, बुद्धि बिगड़ गई है, ये ब्रह्म है, अकल मारी गई है तुम्हारी। और हर पत्नी अपने पति को ऐसा ही बोलती है हरिद्वार को छोड़कर, हालांकि बेटी हरिद्वार की ही थी, बेटी तो ये हरिद्वार की ही थी, कनखल की, तुम्हारी बुद्धि बिगड़ी, ये ब्रह्म है, है?
इनको इतना मालूम नहीं है कि मेरी घरवाली को कौन से तर्क दिए हैं। देवी मुन धीर योगी सिद्ध संतत विमल बल जय ध्यावही, कई नेत निगम पुराण आगम जासु कीरति गावही, श्री राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अब तेरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। देवी प्रणाम करो, नहीं करूंगी। क्या करोगी? परीक्षा लूंगी। शंकर जी कहते हैं भगवान की परीक्षा ली नहीं जाती, भगवान को परीक्षा दी जाती है। बुद्धि परीक्षा लेती है और भक्ति परीक्षा देती है। प्रभु जैसे हैं आपके द्वार पर आ गए, फेल करना पास करना ये तो आपकी मर्जी है, हम तो आपके चरणों में आ पड़े। ठोकर मारो तो, दुत्कारो तो, पुचकारो तो, हम तो आपके हो गए, आपके बिना हमारा कोई नहीं। बुद्धि ठोक बजाकर देखती है प्रणाम करूं कि न करूं, ये प्रणाम के लायक हैं कि नहीं है, मुझसे बड़े हैं कि छोटे हैं, मुझसे योग्य हैं कि अयोग्य हैं। बुद्धि बहुत ठोक बजाती है। शिव की बात जब नहीं मानी और परीक्षा पर उतारू हो गई तो शंकर जी अंत में आदमी क्या करेगा ये बताओ। आदमी बहुत तरह से खुशामद से हाथ जोड़कर पुचकार कर समझाएगा, मनाएगा, कुछ भी करेगा, और अगर श्रीमती जी अड़ी ही हुई हैं तो क्या कहेगा? अब तुझे दिखे सो कर। अंत में यही तो करते हैं क्यों इंद्र प्रकाश जी? अंत में यही तो होता, अब जो तुझे दिखे सो कर। कह दिया शंकर जी ने, जो तुम्हारे मन आते संदेह। अब नहीं मानते तो जाओ। सो करो, और शिव के नेत्रों में आंसू आ गए। अब दक्ष सुता को नहीं कल्याण गालो। तब शंकर असमन अनुमाना, तब शंकर असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूं के नेत्र डगमगा गए। शंकर जी ने अनुमान लगा लिया, दक्ष सुता कहू नहीं कल्याण, अब कहीं इनका कल्याण नहीं होगा। मोरे कहे न संशय जाई, अब आप देखिए शिव कितने आग्रह में आ गए, मेरे समझाने पर भी संशय नहीं जा रहा है। मैं ईश्वर हूं, मैं गुरु हूं, त्रिभुवन का मैं गुरु हूं, सारे वेदों का मैं मालिक हूं, मूल का धर्म हूं, मूलम धर्म तरोर विवेक जलदय, संपूर्ण ज्ञान विज्ञान संपूर्ण वेद जो भी कुछ इस जगत में है सब शिव के श्री मुख से आया है, वो समझा रहे हैं। और लेकिन बाप की बेटी चुकी बुद्धि का तत्व थोड़ा ज्यादा है, पिता का संस्कार अहंकार का बहुत ज्यादा है, मानने को तैयार। मोरे कहे न संशय जाई, शंकर जी के आगे के शब्द सुन लीजिए, विधि विपरीत, अब इनका भला नहीं हो सकता, विधि विपरीत भलाई नाही। बंधु और बहनों थोड़ा गंभीर विषय है, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, इसको हमसे जुड़ा हुआ प्रसंग है। विधि विपरीत जब हो जाती है तो फिर आदमी की भलाई होती ही नहीं है। भलाई माने भला, उसका बुरा ही होना है। जब यहाँ की विधि बिगड़ जाती है वो विधि भी बिगड़ जाया करता है। विधि माने विधाता, विधि माने ब्रह्मा,
विधि माने विधान, विधि माने संविधान, विधि माने कानून, नियम, तौर तरीका, जो भी अर्थ आप लगाना चाहें। जब यहाँ का ये विधि बिगड़ जाता है तो वो जो विधि है भाग्य विधाता वो भी बिगड़ जाया करता है। और एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि ब्रह्मा भाग्य के निर्माता नहीं है। कई लोग ये कहते हैं कि हमारे भाग्य में विधाता ने क्या लिख दिया है, वो कहते सही हैं, समझते गलत हैं। ब्रह्मा जी भाग्य के निर्माता नहीं हैं, भाग्य का निर्माता मनुष्य है। ब्रह्मा जी तो भाग्य के लेखक हैं, जो लिखते हैं, टाइपिस्ट हैं। जैसा यहाँ करते हो वैसा वो लिख देते हैं। जब यहाँ की विधि बिगड़ जाती है वो विधि भी बिगड़ जाया करती है। जीवन जीने की विधि बिगड़ी, खान पान की विधि बिगड़ी, उठने बैठने की विधि बिगड़ी, हंसी मजाक की विधि बिगड़ी, आचरण चलन की विधि बिगड़ी, लेन देन की विधि बिगड़ी, बोल चाल की विधि बिगड़ी, कोई भी विधि जब यहाँ की बिगड़ जाएगी तो वो भी विधि बिगड़ जाया करता है। वो तो केवल आप जो करते हैं उसका परिणाम लिख देता है। इसलिए एक जगह मानस में और आएगा, और आप उसको ज़्यादातर बोलते भी हैं, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, कहाँ विधिहात, आप ऐसा बोलते हैं ना, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात, ये विधिहात नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात, ये विधि के हाथ है, आपके तरीके के हाथ में है, आपके जीवन जीने की शैली के हाथ में है। और ये दशरथ जी के लिए शब्द बोले हैं वशिष्ठ जी ने भरत जी से, और दशरथ जी को जो छह चीज़ें हुई, हानि हुई, मरण हुआ, अपयश हुआ, उनकी विधि बिगड़ चुकी थी। राम को छोड़कर काम के भवन में चले गए, राम भवन को छोड़कर कोप भवन में, आनंद भवन में आना चाहिए था, कोप भवन में चले गए, तो रोना भी पड़ेगा, मरना भी पड़ेगा, अपयश भी होगा, हानि भी होगी। इसलिए जीवन जीने की शैली, और मैं एक निवेदन किया करता हूँ, अगर जीवन में अशांति है, कड़वा कसैला स्वाद है, कहाँ मर जाएं, कहाँ डूब जाएं, कहाँ चले जाएं, कहाँ भाग जाएं, क्या हो गया जीवन में, किसने टोटका कर दिया, किसने कुछ हांडी चला दी, जब ऐसी बातें मन में आती किसी को दोष मत दीजिए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बदलने का संकेत आ रहा है, विधाता कहना चाहता है कुछ बदलिए, ये संकेत है। क्या बदलें, बोली बदलो, भाषा बदलो, हाव भाव बदलो, खान पान के तौर तरीके बदलो, हंसी मजाक की आदतें बदलो, घर से बाहर जाने का समय बदलो और बाहर से घर में आने का समय बदलो, ये बदलने का संकेत है बंधुओं। और अगर आपने बदलने में देर की और अशांति दूसरों पर डाल दी कि बहू जब से आई है तब से अशांति है, बेटा बहू की बातों में आ गया, ससुराल वालों की बात में आ गया, भाइयों ने ज़्यादा नाक में दम कर दिया, भतीजे अच्छे नहीं निकले, पड़ोसी बहुत ख़राब हैं, अगर आपने दूसरों पर डालना शुरू कर दिया तो अशांति आपका स्वभाव हो जाएगा। जिनके घर गंदे नाले के पास होते हैं उनको दुर्गंध नहीं आती, जिनके मकान सब्जी मंडी के पास होते हैं उनको बदबू नहीं आती, वो सुहा जाया करती है। तो ये बदलने का संकेत है। शुभ ने कह दिया विधि विपरीत भलाई नाई, अब चूंकि विधि के विपरीत जा रही है, नियमों के विरुद्ध जा रही है, अब इनका भला नहीं होता होगा, अब तुमको जो दिखे सो करो। और शंकर जी ने समर्पण कर दिया, होई ही सोई जो राम कहीं लागे जपन हरि नाम।
सती जहाँ प्रभु सुख धाम, गई सती जहाँ प्रभु सुख धाम, आजी गई सती जहाँ प्रभु सुख धाम, गई जी ने समर्पण कर दिया। प्रभु के नाम का स्मरण करने लगे। अब सती चली है सीता जी का वेश बनाकर परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि सीता जी की खोज कर रहे हैं। और पहली भूल सती ये कर रही है, सीता जी का वेश बनाया है। बंधु और बहनों, वेश तो आप बड़े लोगों का बना लोगे, दुपट्टा तो उनके जैसा डाल लोगे, तिलक तो उनके जैसा लगा लोगे, कपड़े तो उनके जैसे पहन लोगे, बैठने का तौर तरीका टांग पे टांग रख के उनके जैसी नकल कर लोगे, आत्मा कहाँ से लाओगे उनकी जैसी, आचरण कहाँ से लाओगे, उनके जैसा ज्ञान कहाँ से लाओगे, जीवन तो अपना जीना पड़ेगा। बहुत लोग हैं जो महापुरुषों की नकल करते हैं। आचरण की करिए नकल करनी है तो आवरण की मत करिए। हम लोग आचरण अपना जीते हैं, आवरण दूसरों का ओढ़ लिया करते हैं। आचरण चाहिए महापुरुषों का, आवरण नहीं चाहिए। सती सीता का वेश बनाकर आ गई सामने से। लक्ष्मण जी तो देखकर दंग रह गए, वो तो ब्लैक कैट कमांडो की तरह चारों ओर देखकर चलते थे। लक्ष्मण जी ने देखा वो सती सीता के वेश में, कुछ बोले नहीं। लक्ष्मण जी ने सोचा शायद भगवान ने लीला में ये पार्ट भी रख लिया होगा, देखते हैं। और जैसे ही भगवान के सामने सती सीता के वेश में खड़ी हुई, भगवान को तो पसीना छूट गया। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम। भगवान ने सोचा ये तो बड़ा भारी धर्म संकट है, जंगल में आ गए, तो सोचा नहीं था। सती बोलूं तो सीता के वेश में, सीता बोलूं तो जगन माताएं, करूं तो करूं क्या। कई बार माताओं के कारण से भगवान भी संकट में आ जाते हैं। भगवान ने बीच का रास्ता निकाला और जोर पानी प्रभु की कर दे। देवी हाथ जोड़ता हूं, दूर ही रहना, हाथ जोड़ता हूं, क्षमा करना, कोई भूल हमसे हो गई होगी, इतनी कठोर परीक्षा मत लीजिए, मैं प्रणाम करता हूं। और पिताजी का नाम लिया, मैं दशरथ पुत्र राम आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। दशरथ जी को बीच में क्यों ले आए, दो कारण थे। देखिए, एक तो मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य को जब शारीरिक कष्ट होता है, शारीरिक पीड़ा होती है, तो मां याद आती है। पेट में दर्द हो, अरे मैया ओ मैया, बुखार आ रहा हो, अरे मैया ओ मैया, जब शारीरिक कष्ट होता है तो मनुष्य को माँ याद आती है। और जब मानसिक पीड़ा होती है तो मनुष्य को पिता याद आता है। कोई गलत निर्णय हो जाए, अरे बाप रे, ऐसा बोलते ना, अरे बाप रे। मानसिक पीड़ा में पिता याद आते हैं, शारीरिक पीड़ा में माँ याद आया करती है। एक तो इस कारण से, और दूसरे भगवान ने दशरथ जी को बीच में क्यों लिया, क्योंकि इस समय भगवान की धर्म की परीक्षा होने जा रही है, इसलिए भगवान ने धर्म को याद किया। दशरथ जी साक्षात धर्म है, धर्म धुरंधर गुण दया।
निवेदन कर रहा हूँ आप सबसे, जब कभी ऐसा संकट आ जाए क्या करें और क्या न करें, उस समय धर्म को बीच में ले आइए। धर्म का अर्थ हिंदू मुसलमान नहीं है, धर्म का अर्थ ईसाई और सिख नहीं है। धर्म माने मेरा कर्तव्य क्या है, मैं कहाँ हूँ, मेरी आयु क्या है, समाज में मेरा स्थान क्या है, समाज से मेरे संबंध क्या हैं। अपने कर्तव्य को, धर्म को याद करो। लोग क्या कहेंगे कोई देखेगा तो, दुनिया क्या कहेगी अगर सुनेगी तो, धर्म को बीच में लाइए। मैं पिता के आसन पर हूँ, मैं समाज में बैठा हूँ, मेरी आयु बड़ी है, सम्मान बहुत है मेरा समाज में, मैं बाल बच्चेदार हूँ, मैं बड़े कुल खानदान का हूँ, क्या होगा, मेरे बाप दादों की नाक कटेगी। आप अपने धर्म को बचाइए, धर्म को बीच में लाइए। इसलिए भगवान श्री राम ने धर्म को याद किया। इस समय तो मैं मर्यादा के रूप में आया हुआ हूँ अवतार लेकर, मर्यादा को उल्लंघन कैसे करूं। और ये इसी तराजू पर भगवान ने सती को तोल दिया, इसी तराजू पर। कहे बहोरी पर भगवान राम बैठ गए धर्म के, उसी पर सती को ले आए। हे देवी, शिव नाम नहीं लिया। कहेउ बहोरी कहां ब्रशकेतु। ब्रशकेतु माने शंकर जी का जो ध्वजा है उस पर नादिया का बैल का चिन्ह है ब्रशकेतु, और बैल को धर्म का प्रतीक माना गया है, बैल धर्म का प्रतीक है। धर्म की ध्वजा फहराने वाले आज कहां छोड़ दिए आपने। इस संशय के जंगल में विपिन माने संशय, संशय विपिन, इस संशय के जंगल में आप बिल्कुल अकेली कैसे घूम रही हैं। धर्म की ध्वजा फहराने वाले आज कहाँ छोड़ दिए आपने, आप अधर्म के मार्ग पर कैसे चली आई। सती को भी उनका धर्म याद दिला दिया। और नारी का ये धर्म है कि नारी कभी अकेली न जाए, छोटी है पिता माता के साथ जाए, बड़ी है पति के साथ जाए, आगे की आयु है बेटे के साथ जाए। और ये दुनिया का जो संशय का जंगल है ये संसार, इसमें नारी अकेली जाएगी, भटक जाएगी, भटक कितनी भी पढ़ी लिखी होंगी भटक जाएंगी। मैं तर्क की दुनिया में नहीं जाना चाहता, संकेत दे रहा हूं। भगवान ने कहा अकेली, अकेला कौन है भाई इस दुनिया में। अकेला वो नहीं है जिसके घर परिवार में कोई नहीं है, अकेला वो भी नहीं है जिसके बेटा और बेटी नहीं है, अकेला वो भी नहीं है जिसके बाल और बच्चे नहीं है, अकेला वो भी नहीं है जिसका कोई दुनिया में नाते और रिश्तेदार नहीं है। अकेला कौन है। अकेला वो है जिसका भगवान से भी भरोसा उठ गया है, वही अकेला है दुनिया में। अगर भगवान पर भरोसा है तो भरा हुआ है, वो कभी अकेला हो नहीं सकता है। भगवान, तुम भगवान से भी भरोसा उठा चुकी हो देवी विपिन, अकेले फिरो के ही। जब भी कदम बढ़ाइए अपने निज धर्म को याद करिए, मैं कौन हूं, मैं समाज में क्या हूं, आयु क्या है, मेरा समाज में स्थान क्या है। बहुत सी बातों से बच जाओगे। भगवान ने फिर ऐश्वर्य का दर्शन कराया, सती समझ गई, डरी हुई आई है। और शिव ने पूछा सच सच बताओ, लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहूं सब बात। शिव जी सत्य पूछ रहे हैं और सती सरासर झूठ। कछु न परीक्षा लीजिए, कछु न परीक्षा लीजिए, तुम्हारी नाही।
शिवम सुंदरम, भगवान शिव के लिए एक उद्घोष है, सत्यम शिवम सुंदरम। सरासर झूठ बोल दिया, मैंने तो कोई परीक्षा ली नहीं, जैसे आपने प्रणाम किया ऐसे ही मैंने कर दिया। शंकर जी को वाणी पर भरोसा नहीं हुआ, आंख में आंख डाल कर देखा, होठ झूठ बोलते हैं, आंखें सच बोलती हैं, आंखें झूठ बोलना नहीं जानती, आंखों से पता लग जाता है। इसलिए पुलिस के लोग अपराधियों से जब बात करते हैं आंख में आंख डालकर बात करते हैं, वो बोल क्या रहा है वो नहीं सुनते, उसकी आंख में क्या चल रहा है वो सुना करते, उसे पता कर लेते। मैंने तो कोई परीक्षा ली नहीं, जैसे आपने प्रणाम। गुरु से झूठ बोलती हो, पति से झूठ बोल रही हो, ईश्वर से झूठ बोल रही हो, बच पाओगी? गुरु की आंखों में MRI मशीन होती है, जो बातें अपने बारे में आप भी नहीं जानते वो बातें गुरु भी जानता है आपके बारे में। गुरु साक्षात वैद्य है, एलोपैथिक डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर पूछता है, वैद्य देखता है। वैद्य तो नाड़ी देखता है, आपका हाव भाव देखता है, डॉक्टर पूछता है, और जो वैद्य पूछे वो दो कौड़ी का वैद्य है। वो तो आपने कैसे सांस ली इसी से बता देगा कि आपको ये रोग है। तो सदगुरु वैद्य बचन विश्वास, तुम ईश्वर से, वैद्य से, गुरु से छुपा रही हो। शंकर जी ने देख लिया, ओ सती केन सीता कर वेशा, तुमने मेरी माँ का वेश बनाया, संकल्प ले लिया, माँ से तो पत्नी धर्म का संबंध नहीं निभाया जा सकता, अब हमारा तुम्हारा संबंध समझ, बोले नहीं। और संकल्प बोले नहीं जाते बंधुओं, संकल्प पालन किए जाते। कैलाश में आ गए, व्यवहार से प्रकट कर दिया, समाधि अखंड समाधि में डूब गए। सती को जब अनुभव हो गया कि मेरा त्याग हो गया, तो पत विहीन सब शोक समाजू, भोग रोग समभूषण भारू, यम यातना सरिस संसारू। बहुत रोती है, बहुत रोती है, बस यही अच्छा करती है। रोने से आदमी का मन हृदय निर्मल हो जाता है, आंखों से सारा कचरा भीतर का बाहर निकल जाता है। 87,000 वर्ष के बाद जब शिव ने समाधि खोली और सती ने जाकर प्रणाम किया, शिव को दया आ गई, शरीर सूख गया, कांटा हो गया रोते रोते। अब शंकर जी ने सोचा कौन सा टॉनिक पिलाऊं, और वही उनको तो राम कथा का अमृत आता है, लगे कहन हरि कथा रसाला। लेकिन कथा सुनने में मन नहीं। उसी समय कनखल में दक्ष प्रजापति ने कि यज्ञ आयोजित किया, सभी देवताओं को बुलाया, शंकर जी को चिढ़कर नहीं बुलाया। और सच ये कि शंकर जी को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किया गया था। और बहुत बड़े बड़े लोग आयोजन करते हैं, चाहे वो हमारे ब्रज का एक गीत है ना, चाहे बिक जाए हरो रुमाल बैठूंगी मोटर कार में, तो चाहे जो हो जाए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आदमी कर्जा लेकर भी बड़ी बड़ी दावतें करता है, समारोह करता है, ऐसा मनुष्य का स्वभाव होता है। और देवता तो ईर्ष्या की ही योनि है, इनमें बहुत ईर्ष्या होती है। इन्होंने जानबूझकर कहीं और से भी हवाई पट्टी थी, वहां से विमान उड़ा सकते थे, इन्होंने जानबूझकर कैलाश की हवाई पट्टी चयन की, ताकि शंकर जी को पता लग जाए कि तुम्हारे ससुर के यहाँ हम दावत खाने जा रहे हैं, तुम बैठे रहो बेटा। सती का ध्यान ऊपर की ओर गया, पूछा ये कहाँ जा रहे हैं? बोले कहीं जा रहे होंगे, कथा सुनो ना। अरे बोले कथा तो घर की है, कोई कथा जा रही है क्या? थोड़ी देर में सुन लेंगे, ये बताओ ये कहाँ जा रहे? शंकर जी का हृदय फिर रोने लगा, ऋषि के मुख से भी नहीं सुनी थी, अब मेरे मुख से भी नहीं सुन। बोले तुम्हारी मायके में जा रहे हैं। क्यों? बोले तुम्हारे पिताजी का एक यज्ञ है, आप नहीं जाओगे? बोले नहीं, तुम्हारे पिता हमसे नाराज चल रहे थे, तो हमको भी नहीं बुलाया, तो तुमको भी नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, जाने दो ना। वैसे तो माता पिता के यहाँ, गुरुदेव के यहाँ, भगवत कार्य में मित्र के यहाँ किसी निमंत्रण की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर हमारे जाने से किसी को क्लेश होता है तो मत जाओ। क्यों? नहीं, मैं तो जाऊँगी, जिद करने लगे। अरे कथा सुनो ना। बोले लौट के सुन लूंगी, कथा कहाँ भाग के जा रही है, तुम कहीं मर रहे हो क्या, कहीं जा रहे हो क्या, लौट आते और मैं वहां से चिट्ठी भिजवा दूं। और सती यही भूल कर रही है बंधुओं, पति की आज्ञा की अवहेलना करना पत्नी के लिए जीवन भर अशांति देता है, अशांति देता है, नहीं जाना चाहिए। तुम शिव को उठाकर जा रही हो और कल्पना करती हो कि कनखल में जगत तुमसे प्रसन्न होगा, तो जो शिव को उठाता है जगत भी उससे रूठ जाया करता है। शिव प्रसन्न तो जगत प्रसन्न, शिव रूठे तो जगत रूठा। और मैं बहुत
संकोच में और लेकिन आग्रह से भी निवेदन कर रहा हूं, पति की इच्छा के बिना मैं तो यहां तक कहता हूं कथा सुनने भी नहीं जाना चाहिए, सत्संग में भी नहीं जाना चाहिए। अगर पति नहीं चाहते कि वहां सत्संग में जाइए तो कृपया मत जाइए। सत्संग परिवार में आनंद बढ़ाने के लिए होता है, परिवार में शांति के लिए होता है, प्रसन्नता के लिए होता है। और जिस सत्संग में जाने से हमारे घर में कलह बढ़ती हो, क्लेश बढ़ती हो, टूटन बढ़ती हो, तलाक तक की नौबत आती हो, वहीं चली जाओ, बाबा जी के साथ चली जाओ, घर काय को आ गई वहीं रह लो, वो आपको 10 गाली देगा और जो महात्मा आया उसको 200 देगा। इसलिए मेरा निवेदन है मत जाइए। कई बहनें ऐसी हैं जो जाती तो नहीं है लेकिन मुंह फुला लेती हैं, मुंह बिगाड़ लेती हैं, चलेंगी आंगन में धम्म धम्म पैर मारेंगी, उनके हाव भाव से पता लग जाता है कि उखड़ी हुई है। ऐसा भी मत करिए, बिल्कुल सौम्य शांत हो जाए, आपकी इच्छा नहीं है कोई बात नहीं। मैं आग्रह कर रहा हूँ आपसे और अनुभव बता रहा हूँ, हमारे सबके शरीर अलग अलग हैं, ब्रह्म सबके अंदर एक है। जो भगवान आपके हृदय में है वही भगवान पति के हृदय में है। अगर आप पति की इच्छा के विरुद्ध कथा में सत्संग में नहीं गई और बहुत प्रेम से मुस्कुराते पति की सेवा में लगी हैं, तो जो आपके हृदय में भगवान बैठा है, जो सत्संग में ले जाना चाहता था, वही भगवान पति के हृदय में बैठा है। अगर आपका बिल्कुल मूड सौम्य रहा तो अगले दिन वही पति आपको कहेगा चलो आज कथा सुनने चलते हैं, मेरे साथ चलो, वही आपको लेकर आ, नहीं तो स्वयं भी बिगड़ेगा और आपको भी इतना अशांत कर देगा कि आपको या तो आत्महत्या तक की नौबत आएगी या कुछ और आगे तक बात चली जाए। इसलिए पति जो कहे, पति कहे सोई कीजिए, ताके ही बस होए। मैंने शायद पहले कभी सुनाया है, हमारे विट्ठलनाथ जी महाराज वल्लभाचार्य जी के बेटे गोकुल में थे। उस समय दिल्ली राजधानी थी अकबर बादशाह की, और ये भी थी आगरा भी राजधानी थी। तो जोधाबाई चूँकि हिंदू परिवार से थी, भक्त भी थी, तो जब आगरा जाया करती तो मथुरा वृंदावन गोकुल दर्शन करती जाती, तो यात्रा नाव से करती थी। चूँकि सड़क थोड़ी कच्ची थी, नाव से नौका विहार करते चले। तो गोकुल में एक बार विट्ठलनाथ जी यमुना पूजन कर रहे थे। जोधाबाई जी ने देखा कि बड़े तेजस्वी संत हैं, चलो प्रणाम कर लेते हैं। सिक्योरिटी सब साथ रहती थी, बैठ गई। सिक्योरिटी दूर खड़ी थी, ये पास बैठे। और पति पत्नियों की एक इच्छा होती है कि मेरे वश में कैसे हो जाएं। मैं हरिद्वार की बात नहीं कह रहा हूँ, वहाँ की कह रहा हूँ। हर महिला की इच्छा होती है मेरा पति मेरे वश में कैसे रहे। तो जोधाबाई जी ने भी यही प्रश्न कर दिया कि ये हमारे रानियाँ तो इनकी बहुत हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरे अनुसार रहें, कोई यंत्र मंत्र। उन्होंने एक स्लिप लिख कर दी, स्लिप कागज पर, और बनाकर वो ताबीज बांध दिया, बोले जाओ। सिक्योरिटी गार्ड देख रहा था। लौट कर जब गई आगरा से, तो अकबर थोड़ी CID भी रखता था कि हिंदू है कहीं षड्यंत्र वगैरह में शामिल ना हो। पूछा कि बीच में कोई मिला मिलाया रानी साहिबा किसी से मिली मिलाई? बोले एक बाबा जी थे, महात्मा जी थे गोकुल में, उनके साथ कुछ बैठी थी, उन्होंने एक ताबीज सा बना के बांधा, अब हमको तो मालूम नहीं। अब अकबर बादशाह एकदम तो पूछ नहीं सकते थे। एक दिन पलंग पर बैठे थे, मीठी मीठी बातें हो रही थी, तो ऐसे अकबर ने कहा अरे ये क्या है तुम्हारे यहाँ, और वो तोड़ लिया ताबीज, खोल कर देखा तो उसमें एक दोहा लिखा था, यंत्र मंत्र और तंत्र को। विट्ठलनाथ जी ने लिखा है, यंत्र मंत्र और तंत्र को भूल करो जन को, जन याने नहीं, यंत्र मंत्र और तंत्र को भूल करो जन को, पति कहे सोई कीजिए याते ही बस हो। पति जो कहे, मैं तो सुनने वाली नहीं हूं, छोटा टुकड़ा खा सकती हूं लेकिन बात छोटी नहीं कर सकती। मरो फिर हम क्या करेंगे इसके लिए, और फिर विक्स भी काम नहीं करेगी, विक्स भी काम। सती नहीं मानी और चल दी, शिव को रूठा कर जा रही हो, तुमको जगत भी रूठा मिलेगा। और आ गई कनखल होगी, मैं कैसे धैर्य धारण करूंगी, मैं नाने अपनी साड़ी के पल्ले से हिमाचल के आंसू पहुंचे, नहीं रानी अब रोना ही तो बचा, इकलौती बिटिया
सोना भवन हमको खाने को तोड़ेगा। बेटी बेटी करके पुकारूंगा, कोई आवाज नहीं आएगी, कैसे हम जीवन जी पाएंगे बिना बिटिया के। यहाँ से रोते रोते जब डोली में बिठाया, मैना ने शंकर जी के चरणों में मस्तक टेक दी। भगवान नाथ उमा मम प्राण सम और ग्रह किंकरी करे, क्षमेउ सकल अपराध अव कोई प्रसन्न भरे। बेटी वालों को कितना विनम्र होना चाहिए, हिमाचल जी से मैना से सीखो, अपने घर की दासी बना लो, इसे ग्रह किंकरी करे। हमने बहुत लाड़ प्यार से बेटी पाली, हमने कभी इससे कोई काम नहीं लिया, इसको कुछ आता जाता नहीं है, ये बहुत सी गलतियां करेंगी तो क्षमेव सकल अपराध, वो सारे अपराध हमारे मानकर हमको क्षमा कर देना। बेटी को चूम के माँ ने डोली में बिठाया, बाप एक बार फिर जाकर गले मिले, सारे समाज के लोग सेवक सचिव एकदम महाराज को संभालते, महाराज धैर्य रखिए। और यहाँ से बारात चली कैलाश के लिए, कैलाश में आकर सभी देवी देवताओं को विदाई दी गई। और करत विधि विधि भोग विलास, करत विधि विधि भोग विलास, गणन समेत बसही कैलाश, गणन समेत बसही कैलाश, तब जन्म सत वदन समय के बाद आनंद का जीवन जीते। कार्तिक स्वामी का प्राकट्य हुआ, इन्होंने तार का सुर का वध किया, देवताओं को उनकी स्थिति में ला दिया, शिव प्रसंग पूर्ण हुआ। और एक दिन पार्वती जी बहुत दिनों से प्रतीक्षा में थी कि भगवान शिव कब प्रसन्न दिखाई दें, और आज वो भला अवसर आ गया। देखिए पार्वती भल अवसर जानी, गृहस्थियों की कथा है बंधु और बहनों। इस समय भगवान शिव गृहस्थाश्रम की सीढ़ी पर हैं, आसन पर बैठे हैं। बहन लोगों से मेरा विनम्र निवेदन, घर में कलह नहीं होगी आपको अगर दोनों सूत्र पालन करेंगे। पार्वती जी तो अवसर की प्रतीक्षा कर रही हैं, पति से अपने मन की बात कब कहें, जब आप उनका मूड देख लें कि हाँ अब ये मेरी बात सुन लेंगे और मान लेंगे ये, और नहीं तो प्रतीक्षा करिए। चूँकि पुरुष में एक अहंकार होता है, आपने गलत समय पर कुछ बोला तो फटकार और पड़ेगी और मुश्किल हो जाएगी। पति जब सीटी बजाकर चुटकी बजाकर गुनगुना रहे हों, किसी बच्चे को गोद में खिला रहे हों, मीठी मीठी गीत गा रहे हों, तब उनसे अपने मन की बात कहिए। अगर घर से जाने की तैयारी में हों अटैची लेकर, या बाहर से थके मादे आए हों, तब आप कुछ बोलेंगे आदमी चिढ़ जाएगा, इसलिए उस समय मीठी बात करो। अरे आप तो ऐसे गए, आपने फ़ोन तक भी नहीं किया और हम यहाँ परेशान हो। अरे बोले क्या बताऊँ, वहाँ टावर काम नहीं कर रहे थे, मैं भी आपकी याद में मरा ही जा रहा था। तो फिर एक कप चाय पिलाओ, फिर धीरे से सरका दो जो कोई बात कह लिए, इतना प्रतीक्षा करें। तो पार्वती जी तो इस अवसर की प्रतीक्षा में, और जब शंकर जी के पास है, गई शंभु पै मात भवानी, तो शंकर जी ने क्या किया, जानी प्रिया आदरु अति दीना, जानी प्रिया आदरु अति दीना, वाम भाग आसन हर को, तो
उचित अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए पति से बोलने के लिए, और पति को क्या करना चाहिए जो शिव ने किया है, जान प्रिया आदर अतिकीना, सर्वाधिक सम्मान और आदर पत्नी को मिलना चाहिए। और वही नहीं होता है, पुरुष दुनिया को सम्मान देगा, दुनिया से मीठी मीठी बातें करेगा, पत्नी को फटकारेगा, बोल मत, बातें मत करो, बीच मत बोला करो, तुम्हारा क्या काम है, तुम क्यों दखल देती हो, काम करो अपना, यहाँ क्यों खड़ी हो, तुम क्यों सुन रही हो। अरे भाई ऐसी कौन सी बात है जो पत्नी से छुपाई जा सकती है, है? एक ही आत्मा ने दो शरीर धारण किए, एक प्राण दो देह, और अगर पति पत्नी से छुपा कर किसी को कुछ कह रहा है या दे रहा है तो कुसंग की ओर जा रहा है, समझ लीजिए। कौन सी ऐसी बात है जो छुपाई जा सकती है। जिस घर में नारी का अपमान होता है उस घर से वरकत रूठ कर चली जाती है, और जिस घर में पुरुष का अपमान होता है उस घर से सम्मान रूठ कर चला जाया करता है। ये दोनों को मिलकर चलाना पड़ेगा। बहुत सम्मान से जब बिठाया तो पार्वती जी ने प्रश्न किए कि कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चरण शैल कुमारी, सोई पूछन चरण शैल कुमारी। मुझे भगवान की मधुर मंगलमय कथा सुनाइए। निर्गुण सगुण कैसे हुआ, निराकार नराकार कैसे हुआ, उर्मे निवास करने वाला उधर में वास करने क्यों आ गया, अनंत कोट ब्रह्मांड का नायक किसी का बेटा कैसे बना, मुझे पूरी कथा सुनाइए। शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा, देवी प्रश्न तो तुमने बहुत अच्छा किया है, लेकिन एक बात अच्छी नहीं लगी, आपने निर्गुण और सगुण के बारे में जो पूछा है दोनों में कोई भेद नहीं, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, वही निर्गुण है वही सगुण है, और सत्य ये है न वो निर्गुण है न वो सगुण है, भगवान तो भक्त के वशीभूत है, भगवान वैसे परम स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र सिर पर कोई, लेकिन भगवान दो बातों में परतंत्र है, एक तो भगवान अपना रूप नहीं बना सकता और एक भगवान अपने नाम नहीं रख सकते। जैसी जयपुर से मूर्ति खरीद कर ले आए भगवान उसी रूप को स्वीकार कर लेते, भगवान ये भी नहीं कहते भैया जरा आंख थोड़ी ऊंची नीची हो रही है, जरा ब्यूटी पार्लर नेचर थोड़ा सा ठीक ठाक करा दे, ऐसा भी आप देवी की मूर्तियां देखो जरा तो आपको ऊंची नीची आंखें ऐसी अटपटी सी दिखाई देंगी, और जो नाम रख दिया भगवान उसी को सुन लेते। बहुत लोग इस पर शास्त्रार्थ करते हैं, निर्गुण है कि सगुण है, इस पर शास्त्रार्थ करने की आवश्यकता नहीं, समय बराबर आपको जैसा भगवान चाहिए, जैसा भगवान चाहिए आप स्वतंत्र हैं। आप कह सकते हैं कि हम तो इस रूप में आओगे तो दर्शन करेंगे, और अब तो हमारे इस देश की बिना पढ़ी लिखी माताएं इस तत्व ज्ञान को समझ चुकी हैं कि बड़े बड़े शास्त्रार्थ महारथी जिस पर शास्त्रार्थ में घंटों बर्बाद करते हैं निर्गुण हैं कि सगुण हैं, एक गाँव की बिना पढ़ी लिखी मैया इस बात को जानती है कि भगवान तो एक ही है, केवल वेश का अंतर है, मोर पंख लगा लेता है, श्याम सुंदर हो जाता है, धनुष बाण ले जाता है, राघवेंद्र सरकार हो जाता है, लंबी नाक कर लेता है, गणेश हो जाते हैं, त्रिशूल ले लेता है, शिव हो जाते हैं, भगवान तो एक ही है। माताएं गाती है ना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, प्रभु राम रूप में आना, प्रभु राम रूप में आना, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना।
सरल कर दिया हमारी माँ ने। अरे वही हो तुम, वेश का अंतर है। भगवान तो भक्त से पूछता है किस रूप में दर्शन चाहते हो, विश्वास के साथ, विश्वासो फलदायक, विश्वास के साथ मीरा जी नाग में भी सालिग्राम का दर्शन कर लेती, विश्व में भी श्याम सुंदर का दर्शन कर लेती, विष पी लिया अमृत हो गई। हम अमृत भी पी लेते हैं तो भी विषैला हो जाता है, हमारे भीतर जाते, इतना हमारा विषैला संस्थान। भरोसे के साथ मीरा जी की घटना सुनी है, राणा ने भयानक विष भेजा और ये कहकर भेजा दासी को, जाकर कहना मीरा को क्या शालिग्राम जी का अभिषेक हुआ है, इतना तुझे इनाम देंगे, पिला के आना। मीरा की सेविका को पता लग गया था कि विष पिलाने राणा भेज रहे हैं। सेविका ने समझाया देवी कुछ भी करना भी वो पीना नहीं, चरणामृत रही और विष है, बोले आने दो। जब राणा की दासी ने लाकर वो प्याला दिया, सुवर्ण पात्र दिया, बोले आज अभिषेक हुआ था शालिग्राम जी का, तो राणा जी ने आपको चरणामृत भेजा। अरे मीरा तो नाच उठी, इतनी बड़ी कृपा, भगवान के चरणामृत के लिए तो मंदिर में कतार में खड़ा होना पड़ता है, हाथ पसारना पड़ता है, और चरणामृत स्वयं चलकर प्रभु की कृपा, स्वयं हाथ में प्याला लिया और मीरा नाचने लगी। कर में प्यालो देख मीरा है अधीर, नाची नाची काल कूट देख छाया महाकाल की, नाची दिव्य अंगना हुलास भरे मानस में, और नाच उठी आनंद में देह मुंड माल की, नाच उठी दासी निज जीवन सफल जान। जो प्याला लेकर आई थी वो भी मन मन में नाच रही है कि आज मीरा मरेंगी, विष पीकर इनाम मिलेगा। नाच उठी दासी निज जीवन सफल जान, और नाच उठी कुमति कराल भूपाल की, राणा की कुमति नाचने लगी, आज मीरा का कंटक कटा। नाच उठी दासी निज जीवन सफल जान, और नाच उठी कुमति कराल भूपाल की, और नाच उठी नेत्रन की पुतली प्याले बीच। नाचते नाचते एक बार मीरा ने फिर आंख भरकर विष को देखा, तो नाच उठी नेत्रन की पुतली प्याले बीच, और पुतली में नाच उठी मूरत गोपाल की। पुतली में ए मीरा पी डालो, विष नहीं है, विश्वास बैठा है, पी लो। नाच उठी मूरत गोपाल की रे, पुतली में नाच उठी मूरत गोपाल की रे, पुतली में नाच उठी मूरत गोपाल की। विश्वास हो फलदायक है, मंत्र नहीं फलते, मन का विश्वास फलित हुआ करता है। भक्त तय करता है कि मुझे इस रूप में दर्शन दोगे तो आँख खोलूंगा। बिल्कुल सत्य घटना हमारे वृंदावन की, हमारे आश्रम के पास टटिया स्थान नाम का बड़ा सिद्ध स्थान है, हरदास जी महाराज की परंपरा का, वहाँ बड़े सिद्ध संत हुए मोहिनी शरण जी। अभी 12 तारीख को उनका उत्सव मनाया जाएगा राधाष्टमी के दिन। तो ध्यान में बैठे थे भगवान की मानसी सेवा में, परिक्रमा मार्ग पर वो आश्रम है। भगवान प्रकट हो गए, भगवान का बाबा आँख खोल, बाबा आँख खोल, बाबा आँख खोल। ये ब्रजवासी बच्चे साधुओं के पास प्रसाद लेने आते हैं, थोड़ा तंग भी करते हैं, तो बाबा ने सोचा कोई ब्रजवासी वाले, बोले थोड़ी देर बाद आइयो, बाद में प्रसाद मिलेगा, बोले भजन कर। अरे बोले बाबा मैं बालक ना हूँ, कौन है? बोले मैं श्याम सुंदर मुरली मनोहर, तू दर्शन देवे आया हूँ, जाको तू भजन कर, रहा आँख खोल। भगवान को लगा वाणी तो अलौकिक लग रही है, वो स्वामी जी को लगा कि वाणी तो मनुष्य के बच्चे की सी नहीं, अलौकिक है, अभी आँख नहीं खोली। पूछा अच्छा दर्शन देने आए हो? हाँ। बोले ये बताओ कहाँ खड़े हो? बोले परिक्रमा में। बोले परिक्रमा की बात मत बोलो, ये बोलो परिक्रमा के अंदर खड़े हो कि परिक्रमा के बाहर खड़े हो? बोले क्यों, तुम ये क्यों पूछना चाहते हो? बोले मेरे गुरुजी कहकर गए कि परिक्रमा के अंदर अगर भगवान का दर्शन होता हो तो करना, और परिक्रमा के बाहर अगर भगवान भी दर्शन दें तो दर्शन मत करना। अरे बोले अकड़ मत दिखावे, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को तो मेरे दर्शन होते नहीं है, अकड़ रो है, मैं लौट जाऊं तो? बाबा ने कहा मैंने तो चिट्ठी जारी की, तुम्हें बुलायो ना है, मैंने तो बुलायो ना है, तुम अपनी मर्जी से आयो, अगर परिक्रमा के अंदर आओगे तब दर्शन करूंगा, मेरे गुरुजी मना कर गए थे। भगवान हंस पड़े, भगवान ने कहा अच्छा तो ठीक है, ये बता गुरुजी कोई तर्क भी तो दे गए होंगे? बोले हाँ मेरे गुरुजी कहकर गए थे रेमन वृंदा विपिन बिहार, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहू कून निहार,
अगर वृंदावन की सीमा के अंदर ठाकुर जी हो, दर्शन दें तो दर्शन करना, बाकी दर्शन मत करना। तो भगवान का कोई तर्क भी तो देकर गए हो? बोले हाँ तर्क देकर गए थे। क्या देकर गए थे? बोले कहकर गए थे, बेटा वृंदावन की सीमा के बाहर का जो कृष्ण है ना, उसके हाथ में चक्र सुदर्शन रहता है, सुसरे कभी भी गर्दन काट देगा, और जो वृंदावन में कृष्ण रहता है वो तो मुरली बजाता है, नाच नाचता है, वो कभी मारेगा नहीं, प्यार ही करेगा, इसलिए मुझे दर्शन नहीं करना। तुम तो यदा यदा धर्म से वाले हो। फिर भगवान को अंदर आना पड़ा। तो भगवान तो भक्त के वशीभूत है। नाना भांति नचायो भजन ने मोहे, दशा हो गई थी समाज की। भक्त रोने लगे, देवता भागने लगे, ऋषि मुनि हाहाकार करने लगे, गायें दहाड़ मारने लगी, धरती कपकपाने लगी, कैसे रक्षा हो, क्या हो, रावण का आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया। तो देवता धरती देवताओं के पास जाकर रोई, ऋषि मुनियों के पास जाकर रोई, सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाकर रोए, हमारी रक्षा करो बाबा, रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा, रावण ऐसे नहीं मरेगा, रावण को भगवान का वरदान है, वही मार सकते हैं। चलो भगवान के पास चलकर पुकारते हैं, रोते हैं। अब सोच रहे हैं भगवान कहाँ मिलेंगे, कोई कहता गोलोक होंगे, कोई कहता साकेत होंगे, कोई कहता बैकुंठ होंगे,
कोई कहता क्षीर सागर होंगे। शंकर जी ने कहा भगवान यहाँ कहीं नहीं है। बोले तो बोले हरि व्यापक सर्व आते हैं। शिव कह रहे हैं भगवान खोजे नहीं जाते, भगवान पुकारे जाते। भगवान को कभी खोजिए मत, कहाँ खोजोगे, और कोई खोज नहीं पाया। भगवान पुकारे जाते हैं, जैसे चोर कभी पुलिस को खोजना नहीं जाता, अभी तो पुलिस चोर को खोजने आती है, वो कहीं छुपा बैठा हो। ऐसे ही भक्त भगवान को खोजने नहीं जाता, भगवान ही भक्त को खोजते आते हैं। किसी भी कुटिया में बैठा होगा भगवान वही जाकर पहुँच जाया करते हैं। भगवान पुकारे जाते हैं भरे हुए हृदय से, रुधे हुए गले से, कपकपाते होठों से, डबडबाती आँखों से, दर्दीली आवाज़ से, जैसे बच्चा माँ को पुकारता है। माँ माँ रोटी भी बना रही होगी, आटा छोड़कर जैसे माँ बच्चे को मिलने दौड़कर जाती है, ऐसे भक्त जब पुकारता है तो भगवान दौड़कर आते हैं। अभी मैंने आपको गीत सुनाया था, वहीं खड़े होकर सबने पुकारा, हे करुणानिधान, हे आरत हरण, हे दीनानाथ, हे भक्त वत्सल, हे भक्त रक्षक, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। आकाशवाणी से भगवान ने संबोधन कर दिया, जन डर पाऊ, हे देवता, हे ऋषि मुनि, हे धरती, हे ब्रह्मा जी, हे शंकर जी, डरो मत, प्रतीक्षा करो। अनशन सहित मैं अंशों के सहित अवध में अवतार लेने जा रहा हूँ, और जब तक एक एक राक्षस का विनाश नहीं कर देता तब तक लीला पूर्ण नहीं होगी, धैर्य रखिए। यहाँ से सब बानर रूप लेकर देवता किष्किंधा में भगवान के आगमन की प्रतीक्षा में बैठ गए। और इधर गोस्वामी जी अब हम सबको हरिद्वार से हरि के धाम श्री अवध बुला रहे हैं, जहाँ थोड़ी देर में अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक बालक बनकर प्रकट होने वाले हैं। धर्म की राजधानी श्री अयोध्या तीन महारानियों के साथ दशरथ जी बहुत आनंद का जीवन जी रहे हैं। एक अभाव महाराज को रुलाता है, मेरे कोई पुत्र नहीं है। और एक रात तो इतने ग्लानी में रोए, मैं क्या करूं। और रोते रोते सीधे गुरु ग्रह गायऊ तुरत महिता, भगवान के भवन का रास्ता गुरु के द्वार से जाया करता है। इसलिए हमारे सिख परंपरा में मंदिर का नाम ही गुरुद्वारा रखा गया है। गुरु के द्वार से भगवान के भवन का रास्ता निकला करता है। और ब्राह्मण के साधु के आशीर्वाद तीन समय फलित होते हैं, संध्यांते, शिव पूजनते, भोजनांते तथैव च। संध्या वंदन करते उठे तब, भोजन करके उठे तब, संध्या भगवान शिव का अभिषेक करके उठे तब, प्रातःकाल वशिष्ठ जी संध्या करके उठे थे, दशरथ जी पहुँचे।
और इतना रोए गुरुदेव रक्षा करो, गुरुदेव महल के अंधकार को दूर करो, मेरी महारानियों की सूनी गोद में बच्चों की किलकारी का दर्शन कराओ, अवध को अनाथ होने से बचाओ प्रभु, अवध का उत्तराधिकारी प्रकट करो। वशिष्ठ जी ने हाथ सिर पर रखकर आशीर्वाद दे, राजन धरो धीर, तुम एक बेटे की मांग करने आयो, चार चार बेटों के पिता बनो। दशरथ जी का गुरु जी, बालक कैसे जन्म लेगा? बोले क्यों? बोले मेरी रानियों को तो मासिक धर्म बंद हो चुका है, ऋतु धर्म बंद हो चुका है, संतान कैसे हो? वशिष्ठ जी ने कहा संतान क्रिया से नहीं आएगी, कृपा से आएगी। संतान अब तुम्हारे प्रयास से नहीं आएगी, पर परमात्मा के प्रसाद के रूप में आएगी। पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। गुरु जी बताइए क्या व्यवस्था करूं? बोले मैं नहीं कर सकता, कौन कर सकता है? बोले छत्तीसगढ़ के एक महात्मा हैं श्रृंगी ऋषि, इस यज्ञ को वही कर सकते हैं। वशिष्ठ जी के आग्रह से श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि पधारे हैं यज्ञ का शुभारंभ, और जैसे यज्ञ पूर्ण, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, यज्ञ नारायण स्वयं प्रकट हो गए। यज्ञ नारायण भगवान, हाथ में पायस प्रसाद लीजिए, आपके मनोरथ पूर्ण। ये प्रसाद महाराज ने तीनों महारानियों को बांटा, और जैसे ही महारानियों ने प्रसाद सेवन किया, तीनों माताएं गर्भवती हो गईं। गोस्वामी जी ने लिख दिया, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि भगवान आने वाले आए, सकल लोक सुख संपत्ति जाए। प्रसंग भगवान प्रकट होने जा रहे हैं। जिस दिन से भगवान माँ के गर्भ में आए हैं, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सृष्टि का नियम टूट गया, ऋतु और कृत कालगत त्यागी, सब तरफ हरे राम हित लागी, गायों के नीचे स्वयं दुग्ध की धारा, प्रकृति का स्वरूप बदल गया। किसी ने सृष्टि से पूछा, अरे सृष्टि तूने नियम क्यों बदल दिया, तोड़ दिया? बोले जब सृष्टा नियम तोड़ रहा है, तब सृष्टि नियम का पालन कैसे कर पाएगी? आज तो बाप बेटा बनकर आ रहा है। अवध के नागरिकों को पता लगा, हमारी माताएं गर्भवती हो गई, पूरे अयोध्या में मंगल अनुष्ठान होने लगे, माताएं बहनें व्रत करने लगी। अभी नहीं, अरे अभी तो बहुत देर है भैया, अभी तो बहुत देर है, अरे अभी कहाँ, अभी कहाँ, इतनी जल्दी आ जाते तो हरिद्वार के घर घर में होते। बैठो, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, बैठ जाओ, यहीं बैठो, व्यवधान मत करो, अब इतनी जल्दी नहीं आएंगे, अभी तक और ज्यादा देर लगाऊंगा, अभी और ज्यादा देर लगाऊंगा। अरे अभी तो कुछ हुआ नहीं, अभी तो ना नर्सिंग होम गई ना कुछ हुआ, अभी तो अभी इतनी जल्दी कैसे, अभी तो बीच में कई बार चेकअप कराना होगा, बेड रेस्ट आएगा, ऐसा थोड़ा ही हो जाएगा, इतनी जल्दी नहीं होता है। भारतवर्ष के ऋषि मुनि ध्यान धारणा समाधि छोड़कर मंत्र शक्ति से अयोध्या के राजमार्ग, बड़ी महात्माओं की भीड़, भगवान चार मास के हो गए, आकाश में देवताओं के विमान गर्जन करने लगे। पांचवा मास पूर्ण, छठा मास पूर्ण, सातवां मास पूर्ण, जब आठवां मास पूर्ण हुआ, अयोध्या से नींद गायब हो गई। चूंकि सबको मालूम है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जब नौवां मास प्रारंभ हुआ, इतनी उत्सुकता अवध में, पुरुष लोग राजमहल की परिक्रमा, और माताएं पूरी पूरी रात पुकारती, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ,
मास पूर्ण, दसवां मास पूर्ण, ग्यारहवां मास पूर्ण, और अब गोस्वामी जी घोषणा कर रहे हैं, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर हरजुत राम जन्म सुख मूल, घोषित कर दिया। नौमी तिथि मधु मास पुनीता रामा रामा, नौमी तिथि मधु मास पुनीता रामा रामा, हर शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता रामा रामा, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता रामा रामा, मध्य दिवस अति शीतन धामा हो रामा रामा, मध्य दिवस अति शीतन धामा हो रामा रामा, पावन काल लोक विश्रामा रामा हो रामा, पावन काल लोक विश्रामा रामा हो रामा, हरि नौमी तिथि मधुमास पुनीता रामा हो रामा, तिथि मधु मास पुनीता रामा हो रामा, ए जी रामा हो रामा, ए जी रामा हो रामा, ए जी रामा हो रामा। घोषणा हो गई चैत्र मास नौमी तिथि मंगलवार का दिन, अभिजित नक्षत्र दोपहर 12 बजे का समय, भगवान का अवतार घोषित करें। देखो बंधु और बहनों, सौभाग्य देखिए हरिद्वार वासियों, त्रेता युग में जब भगवान प्रकट हुए उस दिन भी मंगलवार था, और आज हरिद्वार में प्रकट हो रहे हैं तो आज भी मंगलवार है। मंगल भवन अमंगल हारी रामा हो रामा, मंगल भवन अमंगल हारी रामा हो रामा, अरे मंगल भवन अमंगल हारी हो रामा रामा, मंगल भवन अमंगल हारी हो रामा, प्रभु सुदशरथ भजन बिहारी रामा हो रामा, प्रभु सुदशरथ भजन बिहारी रामा हो रामा, ए जी रामा हो रामा, ए जी रामा हो रामा, ए जी रामा हो रामा। दोपहर 12 बजे का समय भगवान का अवतार, भगवान श्री राम दिन के 12 बजे और भगवान श्री कृष्ण रात्रि के 12 बजे, इनको दोनों को 12 बजे पसंद आया। वैसे जन्म प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का अच्छा माना गया। 12 बजे क्यों पसंद आया? पूज्य डोंगरी जी महाराज बहुत अच्छा समाधान करते थे। वो कहते थे दिन के 12 बजे मनुष्य को भूख लगती है और भूखा व्यक्ति क्रोध करता है, तो डोंगरी जी महाराज कहते थे कि भगवान कहते हैं कि जब दोपहर 12 बजे के समय तुझे भूख सताए, जगत के भोगों की क्षुधा पीड़ा दे, उस समय मेरा आगमन होगा। अगर तू राम राम का कीर्तन करेगा तो तुझे आराम मिलेगा, विश्राम मिलेगा, सकल लोक दायक विश्रामा। और भगवान श्री कृष्ण रात्रि के 12 बजे, इस पर भी पूज्य डोंगरी जी महाराज बहुत सुंदर बोलते थे। वो कहते थे 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं, 4 दिन के 4 रात्रि के, 6 से 9, 9 से 12 है, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, जो रात्रि के 4 प्रहर हैं, इसमें पहले प्रहर में ढोंगी लोग जागा करते नाटक नौटंकी वाले 6 से 9 तक, जो दूसरा प्रहर रात्रि को 9 से 12 है, इसमें भोगी जागा करते कामी जागा करते, जो तीसरा प्रहर है 12 से 3 बजे का, इसमें रोगी जागा करते, और जो चौथा प्रहर है प्रातःकाल 3 से 6 बजे का, इसमें योगी जागा करते, जो दूसरा प्रहर है रात्रि को 9 से 12 इसमें मनुष्य को काम सताता है। और भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि जब तुझे रात्रि को काम सताए तो पलंग पर बैठकर मेरे नाम का कीर्तन कर लेना, काम की मार से बच जाएगा। दोनों मारों से बचाने के लिए दो समय, इधर नौमी को बड़ी भीड़, आकाश में देवताओं के विमान, राज द्वार पर बड़ी भारी भीड़, अभी किसी को मालूम नहीं। कौशल्या जी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके चतुर्भुज नारायण भगवान की प्रतिमा के सामने ध्यान में बैठी, जैसे जैसे माँ ध्यान में डूबती जा रही है, माँ के रोए खड़े हो गए, भाल पर पसीने की बूंद, लंबी लंबी गहरी सांस माँ को आने लगी। माँ को ऐसा लगता है जैसे मेरे हृदय से कोई अलौकिक वस्तु प्रकट होने के लिए लालायित हो रही है। पूरे जगमोहन में नील वर्ण का दिव्य प्रकाश हो गया,
कस्तूरी की सुगंध माँ को आने लगी। जैसे जैसे घड़ी बढ़ती जा रही है, माँ की श्वास गति और तेज। घड़ी ने 9 बजाए, 10 का घंटा बजा, 11 का घंटा बजा, 11:30 की घंटी बजी, और जैसे ही 12 का घंटा बजा, माँ के सामने चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। भाई प्रकट कृपाला, घर जाकर स्थिति गा लीजिए, अभी जरा और दर्शन करिए। ऐसा हमने सुना है कि माँ ने आरती वगैरह सब की और माँ रूठ कर जाने लगी। भगवान कह रहे माँ सुनो सुनो। बोले बिल्कुल नहीं सुनेंगे। अरे सुनो तो सही। बोले बिल्कुल नहीं सुनेंगे। दौड़कर भगवान ने पीछे से माँ का लहंगा पकड़ लिया। देखो माताएं कितनी भी ताकतवर हों, भले ही हरियाणा की माँ क्यों न हो, बड़ी ताकतवर, अगर उसका लहंगा उसका बेटा बालक छोटा सा पीछे से पकड़ ले तो माँ झटका मार कर आगे जा नहीं सकती, रुकना ही पड़ेगा। तो पीछे से भगवान ने माँ का लहंगा पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? बोले हमसे बात मत करो, तुम महा झूठे। बोले कैसे? बोले आपने कहा था कि मैं बेटा बनकर आऊंगा और आप तो मेरे दादाजी बनकर आए हो महाराज। तो भगवान ने कहा अच्छा ये बता फिर करूं क्या, भूल हो गई, चलो क्या करूं। बोले पहले तो दो हाथ कम करो, मैं कहां जाके ऑपरेशन करवाऊंगी, ये चार हाथ ले आए। बोले ठीक है दो हाथ हो गए लो। बोले अब बोले छोटे हो जाइए। भगवान छोटे बोल रहे आए नहीं, बिल्कुल गर्भ से जैसे ताजा बालक आता ऐसा रूप बनाइए। माँ की गोद में भगवान बिल्कुल गर्भ के ताजे बालक जैसे रूप लेकर बैठ गए। बोले अब तो प्रसन्न हो? बोले हाँ रूप तो अच्छा बना लिया, लेकिन बातें तो बूढ़ो जैसी कर रहे हो। बालक कोई बातें करता है क्या? भगवान ने कहा फिर क्या करूं? बोले रोइए। बालक जब पैदा होता है तो रोया करता है, तब मोहल्ले वालों को पता लगता है कि बच्चा हो गया। आप रोइए। भगवान ने कहा हम तो नहीं रोते। क्यों? बोले हमको तो कोई दुख नहीं, जिसको दुख हो वो रोए, हमको तो कोई दुख नहीं। माने का भगवान अपने दुख में तो दुनिया रोया करती है, अपने दुख में तो दुनिया रोती, आप हो जो दुनिया के दुख में आप रोया करते हो महाराज, जब तक आप नहीं रोओगे दुनिया का दुख दूर नहीं होगा, आप रोइए। भगवान ने कहा अब रोना आ तो नहीं रहा है, अब रोए कैसे ये तो बताओ। तो गोस्वामी ने कहा सुन वचन सुजाना रोदन ठाना, ठाना माने रोना आ तो नहीं रहा है। मैंने सुना है ज्वालापुर में, मुझे मालूम नहीं लेकिन एक सज्जन ने मुझे बताया कि ज्वालापुर में कोई मर जाता है तो वहाँ किराए पर रोने वाले बुलाए जाते हैं। अब कितना सच है कितना करते मुझे मालूम नहीं, ऐसा है क्या? हैं नहीं है तो मुझे गलत सूचना दी। और बोले माइक लगा लगा के वो रोती हैं खूब, किराए पे आती हैं वो खूब हल्ला मचा के, और जाती हैं खिलखिलाती चली जाती है दक्षिणा लेकर अपनी अपनी। जैसे हमारे हरियाणा की माताएँ ना, अब इनको मौत में किसी का रोने जाना, अब रोना एकदम तो आता नहीं है, और रोना पड़ेगा तो लंबा घूंघट खींचा और इतना हल्ला मचाती हैं कि पूछो मत, और आंसू एक के भी नहीं आते। तो भगवान ने यही किया, सुन वचन सुजाना रोदन ठाना करके जब भगवान रोए हैं तो सुन सी सुरोदन परम दीय संभ्रम चले आई सरा, अरे सुन सी सुरोदन परम दीय संभ्रम चले आई सरा, जी हर शीत से बैठ जाओ। दो दासियां दौड़कर राजभवन माँ को तो समाज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज बधाई हो, महाराज बधाई हो। अरे क्या बात है बसंती भाई? बोले कौशल्या माँ की गोद में सांवले सलोने कुमार आए हैं, प्रभु बधाई हो। दशरथ जी तो नाचने लगे, सुमंत्र जल्दी बाजे वाले बुलवा, कहाँ बुलाए बजा बहु बाजे। हमको लगता है लड़के के होने में तभी से बाजे बजने की प्रथा चली। बेटा भले ही जीवन भर बाप की खोपड़ी पीटे पर बेटा होने पर बाजे जरूर बजवाए जाएंगे। और घर में लक्ष्मी जी पैदा हो जाए, कन्या आ जाए, बेटी का जन्म हो जाए तो केवल दो तीन बार तवा खटकाएंगे और सारे घर के लोगों को सांप सूंघ जाता है, कोई किसी बोलता नहीं। और बेटी पैदा होने पर बुआ और दादी, इनकी तो मैया ही मर जाती है एकदम,
ये कहाँ से करें? अरे भाई, घर में बेटी पैदा होनी चाहिए। जिस घर में बेटी का जन्म नहीं होता वो घर अभागा माना जाता है। बेटी, अच्छा, जिस घर में बेटी पैदा हो चुकी है उस घर के बाप को डायबिटीज कभी हो ही नहीं सकती है, ये मेरी गारंटी है। जिसके घर में बेटी है उसका बाप डायबिटीज का मरीज हो ही नहीं सकता है। बेटी जरूर चाहिए, बेटी की विदाई के मंगल आंसू घर के आंगन में गिरने ही चाहिए। बेटा 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 बेटा। यहाँ से वशिष्ठ जी को लेकर दशरथ जी राजभवन में बड़ी भारी भीड़ दरबार, आज पूरा राजभवन जनता से भरा, क्योंकि सृष्टि का नियम टूट गया। राजा सड़क पर खड़ा है, प्रजा मालिक हो गई। जैसे तैसे राजभवन में अंदर पहुंचे, कौशल्या जी की गोद में भगवान रो रहे थे। जैसे दशरथ जी की आंख से आंख मिली, लीला का क्रम उलट गया। भगवान ने हंसना शुरू कर दिया, महाराज ने रोना शुरू कर दिया। महाराज ने कहा, गुरुजी देखो बालक अपने पापा जी को पहचान कर कैसा मुस्करा रहा है। नंदी मुख शाद हुआ। उधर केकई जी के भवन से एक बच्चे का जन्म का समाचार, सुमित्रा जी के भवन से दो बच्चों के जन्म का समाचार, चार चार बच्चों के जन्म का समाचार सुना। दशरथ जी पागलों की तरह नाचने लगे, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, जनता अमीर और गुलाम उड़ाने लगी। महाराज दर्शन कराओ, महाराज दर्शन कराओ। तो महाराज ने तीनों रानियों को कहा, कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी, ये बालक आपके नहीं है, अयोध्या के नागरिकों के आशीर्वाद बालक बनकर गोद में आए हैं। सबको दर्शन कराओ, सब आशीर्वाद देंगे, सबके नेत्रों को दिव्य करो। और जैसे ही तीनों रानियां अपने अपने बालकों को गोद में लेकर राजभवन के प्रांगण में आई और कौशल्या जी की गोद में बालक रूप भगवान को देखा, सब लोग बोल पड़े, महाराज को बधाई हो, 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 जन्म सुनी आई।
चले थक जाएंगे, चेनाई देगी कछु। लाला जन्म सुने आई मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुने आई मैया दे दे बधाई। आरती करिए तब जाइए। आरती के लिए श्री मनोज गर्ग जी, श्री इंद्र प्रकाश अग्रवाल जी, श्री रविंदर सिंगल जी, श्री सुनील अग्रवाल जी, श्री मनोज अग्रवाल जी, श्री करण मल्होत्रा जी, श्री राकेश अग्रवाल जी, श्री राजकुमार अग्रवाल जी प्रदेशाध्यक्ष, श्री अशोक महेश्वरी जी, श्री वीके सिंह जी मेरठ, श्री अशोक पाठक जी लखनऊ, श्री संतोष अग्रवाल जी मुख्य यजमान, श्री अविनाश चंदोरी जी अध्यक्ष स्वागत समिति, श्री पराग गुप्ता जी, श्री विमल कुमार जी, श्री बालकिशन जी बंसल ज्वालापुर, श्री सुरेंद्र अग्रवाल जी, श्री शशिकांत गुप्ता जी, श्री प्रमोद जी, श्री हरिराम कुमार जी। राजा राम तेरी आरती उतारू, आरती उतारू मैं तो तन मन बारू, हे राजा राम तेरी आरती उतारू, कनक सिंहासन राज तिजोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारू, हे राजा राम तेरी आरती उतारू, राम भाग सो विद जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, तिर चरणों में जीवन वारू, हे राजा राम तेरी आरती उतारू, चरणों से निकली गंगा प्यारी, पावन करती है दुनिया सारी, इन चरणों को सदा पखारू, हे राजा राम तेरी आरती उतारू, आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे, मैं सुन सुन रिच जन्म सवारू, हे राजा राम तेरी आरती उतारू, आरती उतारू मैं तो तन मन बारू, आरती उतारू मैं तो तन मन बारू, हे सीताराम तेरी आरती उतारू, हे राजा राम तेरी आरती उतारू। बोलिए श्याम।